हाय मेरा नाम प्रशांत है uh, मुझे आज तीन दिन हो गए मुझे और अनुज को इस गाड़ी को चलाते हुए आज थर्ड डे है तो अप्रोक्सीमेट 1800 uh, से 2000 2000 किलोमीटर तक चला के देखा इसको साथ पास गए थे वहाँ पे रोड थोड़ा टफ था, था उसमें uh, हिल्स में और uh, अपने uh, हाईवे पे तो इतने चलाने के बाद अब मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है बेसिकली गाड़ी जो है वो कंपनी ने फोर बाई फोर बनाई है दैट मीन्स ये ऑफ के लिए गाड़ी बनाई है ये हमारे पास ऑटोमेटिक है अल्फा वेरिएंट है और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया इसने सब जगह पे चाहे उसको हिल्स पे देख लो या नैरो रोड पर यानी कि हम बिल्कुल पतले रोड पर थे जहाँ पर सिंगल गाड़ी के बराबर रास्ता था वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया इसने और हाईवे पर भी अब मैं आपको इसको इसके बारे में बता सकता हूँ हाँ मैं इसके बारे में आपको क्या बता सकता हूँ कि गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है गाड़ी का गेयर क्या बोलता है गाड़ी का इंजन क्या बोलता है जो इसका हेडलाइट है, है जो इसकी असेसरी है जो इसका बम्पर है जो इसकी फोक लाइट है जो इसमें एल स्क्रीन चली है इसकी असेसरी कैसी है वो हाई हील वाले बहुत लोग हैं आपको बताने वाले जो आपको बता देंगे कि इस बाकी इसमें क्या क्या है इसमें स्टपनी कहाँ पे है इसका बूट स्पेस कितना है फर्स्ट इसमें जो सबसे सही चीज़ है जो इसका फ्रंट में सॉलिड एक्सल है विद कोयल स्प्रिंग ये इंडिपेंडेंस सस्पेंशन नहीं है ये सॉलिड एक्सल है विद कॉल स्प्रिंग जो आपको ऑफ रोडिंग में या किसी भी ऑप्स्टिकल में बहुत अच्छे से निकलने की ताकत देता है एक्चुअली जो सॉलिड एक्सल लेवरेज देता है वो अनमैच्ड है अभी क्या है हमने गाड़ी का आर्टिकुलेशन दिखाने के लिए इसको ऑप्स्टिकल पे लेके आए हैं जिसमें हमने इसको गाड़ी को ऊपर किया है अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कितनी चाल है ये टायर इतना खुल रहा है उसके बावजूद टायर ने जमीन को नहीं छोड़ा है टायर ने जमीन को नहीं छोड़ा है और अगला टायर ये है अगले टायर को भी आप देख सकते हैं यहाँ है अब आप इस साइड आ जाइए यहाँ पे दोबारा से अभी तक ऊपर टच नहीं हुआ है ये इसके टायर के अंदर गैप है इतना गैप है और यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा था फ्रंट का सॉलिड एक्सल का ये कमाल देखिए यहाँ पे फिर इतना गैप है ये है फ्रंट के सॉलिड एक्सल सॉलिड जो फ्रंट का मैं सॉलिड एक्सल का एडवांटेज बोल रहा था कि आपको एडवांटेज है फ्रंट के सॉलिड एक्सल की वो ये है वो आगे का टायर ऊपर का इस साइड का टायर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है अब ये देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे हूँ गाड़ी यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ और गाड़ी यहाँ पे है ये मतलब इतनी टेढ़ी हुई है गाड़ी यहाँ पे भी गैप है और ना ऊपर के टायर ना ऊपर के टायर ने जमीन को छोड़ा है ना इस टायर ने जमीन को छोड़ा है ये है सॉलिड एक्सेल का फायदा यहीं पे अगर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन होता तो या तो पीछे के टायर ने जमीन छोड़ देनी थी क्योंकि इस इस टायर ने नीचे घुसना था उसने अलग अपने ऊपर उठ जाना था मीन्स इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ऐसे ऐसे काम करता है और ये जो सॉलिड एक्सल है ये ऐसे काम करेगा इंडिपेंडेंस सस्पेंशन यहाँ पे काम करेगा ऐसे ऐसे सॉलिड एक्सल यहाँ पे पूरे गाड़ी को ये करेगा काम करेगा तो यहाँ तक इसने जमीन नहीं छोड़ी है आ, गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन ज़्यादा की नहीं है हमने सिर्फ इसका टायर का साइज बढ़ाया है टायर का जो इसका साइज है वो है कहाँ गया आ, दो सौ पंद्रह पचहत्तर आर पंद्रह ये हमने इसका टायर का साइज थोड़ा सा बढ़ाया है तो इसकी वजह से जो इसका ग्रिप है और जो बॉडी रोल है वो बहुत कम हो गया है मतलब वैसे भी इसमें बॉडी रोल नहीं है बहुत कम बॉडी रोल है पर जो भी था उससे 50 परसेंट ये टायर की वजह से जो टायर का साइज थोड़ा सा बढ़ाया है, उसकी वजह से बॉडी रोल कम हो गया अगर आप टायर के साइज़ को इससे ऊपर बढ़ाएंगे तो टायर ऊपर टच करेगा जिसके लिए आपको लिफ्ट किट लगानी पड़ेगी लिफ्ट किट लगाने के बावजूद भी जो आर्टिकुलेशन है वो नहीं मिलेगा क्योंकि लिफ्ट किट गाड़ी को ऊपर उठा देगी आपके टायर को नीचे दबा देगी तो डॉ नो अब लोग करेंगे उसके बाद पता लगेगा क्योंकि बहुत से लोग तैयार बैठे हैं ये सब कुछ करने के लिए उस चीज़ का मुझे मॉडिफिकेशन का ज़्यादा आइडिया नहीं है बट जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये है और जब आप इसके टायर बड़े करेंगे तो इसको मतलब जो राइड क्वालिटी है जो राइड है इसकी जो कंफर्टेबल है राइड में उसमें मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ेगा जो राइड में कंफर्टेबल है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा जब आप टायर्स का साइज बढ़ाएंगे लिफ्ट किट लगाएंगे क्योंकि मैं पहले भी बोलता हूँ जो कंपनी के इंजीनियर जिन्होंने इसको बनाया है बहुत मेहनत करते हैं गाड़ियों को बनाने के लिए तो उनको भी पता है कि हम इसमें बड़ा टायर डालेंगे या बड़ा लिफ्ट किट लगाएंगे ऊपर ऊपर मौनसा ट्रक बना देंगे तो गाड़ी की लुक अच्छी आएगी बट उसको उनको ये भी पता है कि उसकी डिसएडवांटेज क्या है अभी थोड़ा सा जो ऑटोमेटिक है इसके गियर का सिस्टम बता देता हूँ आपको कि इसमें गियर काम कैसे करते हैं ये आपका पार्किंग है हम इसको पीछे खींचेंगे ये डी पे आ गया डी मींस ड्राइव यहाँ पे डी पे आ गया डी मींस ड्राइव इसमें क्या होता है ड्राइव में एक यहाँ पे इस साइड को यहाँ पे ये एक बटन दिया है ये है ओडी बटन ओडी मीन्स ओवर ड्राइव ये आप ये सोच लो ये आपकी गाड़ी का फोर्स गियर है ऑटोमेटिक में आपने फोर्स गियर कैसे डालना ये OD हमने दबा दिया ये यहाँ पे देखेंगे आगे मीटर पे सिग्नल आगे, आगे आपका OD ऑफ अब यहाँ पे जैसे ओडी ऑफ आएगा हमने ये बटन दबाया ओडी ऑफ आएगा मींस फोर्थ गियर ऑफ हो गया यानी कि चौथा गियर नहीं लगेगा मींस आप पहाड़ों में जा रहे हैं आपको पता है आपका घड़ी घड़ी गाड़ी रे आप एक्सीड कर रहे हैं गाड़ी को और कई बार गाड़ी फोर्थ गियर में जा रही है तो मोशन नहीं पकड़ रही है तो आपने पहाड़ों में क्या करना है हाई हिल में जा रहे हैं तो आपने इसको ओडी को ऑफ कर देना ये आप साइड से ये बटन दबा दिया आपका ओडी ऑफ हो गया मीन्स आपके तीन ही गेयर काम करेंगे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीन ही गेयर आपको पता है आप अप हिल जा रहे हैं आपको तीन ही गियर चाहिए डाउन हिल जा जा रहे हैं तब भी आपको ऐसा होगा कई बार के आ, गाड़ी रेस पकड़ रही है नीचे को तब भी अगर आप इसको ओडी को ऑफ कर देंगे तो गाड़ी गियर में कंट्रोल रहेगी जो गियर की ब्रेकिंग है वो गाड़ी करती रहेगी फिर आ जाते हम इसके बाद आ जाते हैं सेकेंड क्या सेकेंड क्या है सेकेंड जो है यहाँ पर जो टू लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर ये टू लिखा हुआ है इसमें ये क्या है जब आप इसमें टू में डालेंगे इसको टू लीवर को टू में शिफ्ट करेंगे उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है फर्स्ट और सेकंड में ही रहेगी आपकी गाड़ी फर्स्ट और सेकंड में ही रहेगी इसमें थर्ड और फोर्थ काम नहीं करेगा मीन जैसे अब आप हिल ज़्यादा है ज्यादा ऊपर चढ़ना है आपको तो हो सकता है आप ओवर एक्सीट कर रहे हैं गाड़ी को गाड़ी का एक्सीटर छोड़ रहे हैं तो गाड़ी थर्ड गियर ले लें तो आप उस वक्त इसको टू में ले आएंगे ताकि गाड़ी फर्स्ट और सेकंड में ही रहे आपका मोमेंटम मोशन प्रॉपर बना रहे और उसके बाद अगर और ऊपर आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत चढ़ाई है अब ये ऑटोमेटिक नो क्या करेगी तो आपने क्या करना है इसको लीवर को और थोड़ा पीछे खींचना है एल पे ले आना है। यहां पे एल लिखा है ये यह देखिए यहां पे एल लिखा है एल मीन्स ये आपका फर्स्ट गियर है ये आपका फर्स्ट गियर है फर्स्ट गियर मीन्स अब ये गाड़ी फर्स्ट गियर में ही रहेगी ये सेकंड थर्ड किसी भी गियर में नहीं और जाएगी आप चाहे जितने मर्जी एक्सीट करो इसको चाहे जितना स्लो एक्सीट करो ये फर्स्ट गियर में ही रहेगी तो ये है इसका गियर की फंक्शनिंग ऐसे ही ये गियर काम करते हैं बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा ओडी का कन्फ्यूजन होगा अगर आप ओडी को ऑफ कर देंगे सॉरी ओडी को ऑन कर देंगे जैसे अभी ओडी ऑन हो गया हम इसको ड्राई पे लाएंगे ओडी अगर ऑन हो गया तो उसके चारों गियर काम कर रहे हैं मतलब जब जितना आप एक्सीटर दे रहे हैं जितना आप इसको आर बढ़ा रहे हैं जितना आप गाड़ी को एक्सीटर कर रहे हैं ये उस हिसाब से अपने हिसाब से गाड़ी रेस के हिसाब से अपना गेयर चेंज करती रहेगी तो चौथे गेयर तक चली जाएगी जब आप जब आप इसका ओडी ऑन कर देंगे तो फोर्थ गियर में ये 3000 हज़ार पे 100 की स्पीड पे चली जाएगी अगर उससे भी आप ऊपर ले जानी है तो आप इसको ले जा सकते हैं Uh, मुझे ये फील हुआ इतने इतने किलोमीटर और दो तीन दिन गाड़ी को चला के ये जो गाड़ी का गेयर बॉक्स दिया है मारुति ने बहुत सही दिया है डी टू एल ये जो सारे मोड हैं ये बहुत सही हैं uh, मे बी जब आप हाईवे में होते हैं प्लेन में होते हैं तो तो इनका कोई यूज़ नहीं है जब आप पहाड़ों में आते हैं तो ये सारे आपको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ में आते हैं पहाड़ों में जब आप आते हैं अप जाना है डाउन हिल जाना है तो आपके ये सारे के सारे मोड आपको यूज़ करने पड़ेंगे आते नहीं है ये आपको यूज़ करने पड़ेंगे मोड तभी आपकी गाड़ी प्रॉपर चलेगी अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका फोर बाई फोर के बारे में बता देता हूँ ये जो इसका फोर बाई फोर हाई है ये आपको आप कहीं पे भी डाल सकते हैं मतलब जब आपकी गाड़ी चली है तब भी डाल सकते हैं ये फोर बाई फोर हाई डल गया और ये खुल भी जाएगा जब आपकी गाड़ी चल भी रही है एक नॉर्मल जैसी स्पीड है स्पीड मेंटेन करिए आपने और फोर बाई फोर लगाना है तो आपका फोर बाई फोर जो हाई है वो किसी भी मोड में लग जाएगा बट यहीं पर अगर आप सोचे फोर बाई फोर लो फोर बाई फोर लो लगाना है आपने तो ये नहीं लगेगा किसी भी मोड में ये ये डी में है ये देखिए फोर बाई फोर लो नहीं लग रहा है अब हमने इसको टू में ले आए फोर बाई फोर लो नहीं लग रहा है एल में ले आए फोर बाई फोर लो नहीं लग रहा है फोर बाई फोर लो एक ही कंडीशन में लगेगा अगर आपको फोर बाई फोर लगाना है आपको इसको न्यूट्रल ले जाना पड़ेगा गाड़ी को आप देखेंगे गाड़ी न्यूट्रल हो गई है और अब इसको हम दबाएँगे और फोर बाई फोर लगा देंगे फोर बाई फोर लो लगाने के लिए आपको गाड़ी को न्यूट्रल में ले जाना पड़ेगा तभी आप फोर बाई फोर लो लगा पाएंगे और आपको वापिस हटाने के लिए भी यही कंडीशन है आपको अगर फोर बाई फोर लो खोलना है तो आपको इसको न्यूट्रल पे लाना पड़ेगा फोर बाई फोर लो तभी खुलेगा अदरवाइज ये फोर बाई फोर लो नहीं खुलेगा जब आप इसको जबरदस्ती धक्का देने की कोशिश करेंगे तो ये गरारी टच होगी ये क्रैंक करके आवाज़ करेगा अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो ये कुछ ना कुछ तोड़ देगा और हाँ सिंपली जिमनी डॉट कॉम करके एक ग्रुप है आप लोग आपको किसी को भी कोई भी डाउट है या कुछ आप जानना चाहते हैं ग्रुप के बारे जिमनी के बारे में तो आप इस यहाँ पे सिंपली जिमनी डॉट कॉम पर जाके ग्रुप को ज्वाइन करके आप एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं या कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिमनी की जो पहाड़ों में एवरेज आई है वो दस से साढ़े के बीच में आई है पर लीटर की Uh, इसमें कच्चे रोड में भी हमने गाड़ी चलाई है थोड़े से अच्छे रोड से वहाँ पे भी गाड़ी चलाई है अप हिल भी गए डाउन हिल भी आए हैं तो इसमें जो राउंड फिगर में जो एवरेज आई है इसकी टैंक फुल टैंक फुल वो दस से साढ़े दस के बीच में आई है पर लीटर थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग